नजर आ रहे हैं। 49 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी कांग्रेस। अब तक 41 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा तो है कांग्रेस कर चुकी है, ऐसे में इंतजार लगातार किया जा रहा है तीसरी सूची का। और इससे पहले आपने देखा होगा कि 32 उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो यहां पर की गई थी, जिसमें से 28 सिटिंग विधायक थे जिन्हें मौका दिया गया है, जिन पर विश्वास जताया गया है। और उसके बाद 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई दूसरी सूची में। अब तीसरी सूची का इंतजार जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो जल्द कांग्रेस की तीसरी सूची जारी होने के आसार नजर आ रहे हैं। और इस बीच आपको यह बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी मोड में नजर आ रही है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें, बैठकों का सिलसिला भी लगातार जारी रहा और चिंतन किया गया, मंथन किया गया और तमाम बारीकियों के साथ भांपते हुए, जांचते हुए किस तरह से सूचियों का ऐलान जो है, इससे पहले 2 सूची जारी की गई, अब तीसरी सूची का इंतजार जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, कब तक कांग्रेस की तीसरी सूची जारी होने के आसार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार मंथनों का दौर, जिस पर आपने जिक्र किया, जारी है, उम्मीद की जारी है। जल्द कांग्रेस की लिस्ट यानी आज उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस की तीसरी सूची जारी हो सकती है। और हालांकि देखिए आज बैठक भी कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है, तो उम्मीद की जा रही है उस बैठक के बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी कर देगी। और काफी सारे नाम उस लिस्ट में उम्मीद किए जा रहे हैं कि संभावना, क्योंकि देखिए इससे पहले की अगर हम सूची की बात करते हैं तो सबसे पहले 31 फिर एक नाम 32 के उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई थी, तो जिसमें कहीं ना कहीं केवल विधायकों के नाम यानी सिर्फ कांग्रेस से करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर केवल 9 नामों के उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की है। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि ऐसे खासे नाम सूची में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नॉमिनेशन की तारीख अब खत्म होने की ओर है, तो अब कांग्रेस के लिए जरूरी है कि अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दे। तो बिल्कुल उम्मीद है कि आज कांग्रेस अच्छे खासे नाम के साथ उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, अब प्राणिता देखिए ऐसे में जरूरी हो जाता है बातचीत करना कि कांग्रेस जो है किन बातों का ख्याल रखते हुए तीसरी सूची जारी करेगी, क्योंकि इससे पहले आपने भी देखा किस तरह से जब दूसरी सूची का ऐलान किया गया और इससे पहले जब पहली सूची का ऐलान किया गया था तो उसके बाद कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला, एक दो नेताओं की नाराजगी भी देखने को मिली, तो अब किन बातों का ख्याल यहां पर कांग्रेस रख रही है तीसरी सूची जारी करने से पहले? देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए वो है विलेबिलिटी, तो हर एक चीज को कॉर्नर करती हुई कांग्रेस विलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी हो जाता है कि जीतने की संभावना सबसे ज्यादा जिस उम्मीदवारों की हो उसे ही मैदान में उतारा जाए, ताकि चीज को सुनिश्चित किया जाए कांग्रेस के द्वारा। इस तरीके का लक्ष्य लेकर कांग्रेस चल रही है, 70 का लक्ष्य उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, केवल जीतने वाले उम्मीदवार ही मैदान में उतरे, तो उन सभी चीजों को लेकर कंसिडर करती हुई कांग्रेस आगे बढ़ रही है और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। चाहे कोई नाराज होता है उसे मनाने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी, कुछ और तरीके ढूंढने की कोशिश की जाएगी। जिस तरीके से कुछ समय पहले हम प्रभारी दीपक जावड़िया को सुनते नजर आए थे, उन्होंने कहा था कि माफी मांगते हुए लोगों से नजर आए थे कि मैं आपके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, हालांकि जिन्होंने काम किए हैं कांग्रेस के लिए मैं राहुल गांधी से दरखास्त करूंगा कि वो उन्हें किसी तरह का अगर पुरस्कार दे, तो जिम्मेदारी दे, इस तरह की चीजें वो कहते हुए नजर आए हैं। यानी पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि जो नेता नाराज हो गए उन्हें एक साथ एकजुटता के साथ रखा जाए, मगर नाराजगी को जीत से कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस नहीं करने वाली है। तो बिल्कुल की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी जीतने की, और लॉयल्टी कांग्रेस की ओर होगी, उन्हें ही मैदान में कांग्रेस उतारती हुई नजर आएगी। पहली सूची में भी वही चीजें देखने को मिली है, दूसरी में भी और तीसरी भी इसी तरह की जैसे कांग्रेस देखने वाली है। जी।